गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन शनिवार को जो खबर आई है वो काफी हैरान और चिंता करने वाली है। गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे टॉप के स्वास्थ्य अधिकारी खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आइए आपको विस्तार से इस गंभीर मामले की जानकारी देते हैं। गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी मौर्य, केसीएमओ डॉक्टर के वर्मा, एसीएमओ डॉक्टर उमेश कुमार, एसीएमओ डॉक्टर डीपी सिन्हा, अधीक्षक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र बारचौर डॉक्टर नवीन कुमार सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वो अभी वर्तमान में दिल्ली में आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर इमाम, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर और अशोक कुमार कोऑर्डिनेटर भी शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना की है कि सारे डॉक्टर ठीक होकर जल्द लोगों की सेवा में जुट जाएं। उन्होंने आगे कहा कि इस वजह से अगर किसी को स्वास्थ्य सेवा में तकलीफ होती है तो इसके लिए खेद है, सभी लोग ठीक होकर आएंगे तो उसी जोश के साथ काम करेंगे। आपको बता दें कि इनके अलावा एपिडेमोलॉजिस्ट गाजीपुर डॉक्टर शहबाज खान, डेटा ऑपरेटर अनिल शर्मा, राधेश्याम और सोमारू भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को इन टॉप के चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल 44 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि बाकी के आम लोग कहां कहां से संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को गाजीपुर के नौकापुरा, दुल्लापुर, महमूदगंज, कोतवाली, यूसुफपुर, भदौरा, दिलदारनगर, बुढ़नपुर, रसूलपुर, चंदननगर, स्टेशन रोड, मलसा, सिकंदरपुर, सलामतपुर, मरदह, कासिमाबाद, करीमुद्दीनपुर, मोहम्मदाबाद, शेरपुर, मलिकपुरा, सैदपुर, बिरनो, कैथवालिया और आलमगंज में कोरोना के नए पेशेंट मिले हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में गाजीपुर के लोगों के लिए काफी सतर्क होने की जरूरत है। गाजीपुर में इस खतरनाक बीमारी से अब केवल आम लोग ही नहीं बल्कि टॉप के स्वास्थ्य अधिकारी भी प्रभावित हो रहे हैं, यानी अब गाजीपुर के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस बीमारी से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप सारे नियमों का पालन करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपके इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अपने फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें, योग करें और सबसे जरूरी है बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। अगर निकले भी तो सारे सावधानियों के साथ। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।